नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए लाइव है। जी हाँ, और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया किसानों के हित में। उन्होंने पिछले एक साल से किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटाने के लिए किसान कानून बिल को वापस लेने का ऐलान किया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला इतना लेट क्यों लिया गया? शायद ये उत्तर प्रदेश की तैयारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को जीतने का एक शायद नया प्रयास सरकार कर रही है। सरकार ने किसान कानून वापस लेने की तो बात कही, आखिर उन सवालों को कौन उठाएगा जो सवाल किसान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो सवाल उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना खोया। कोई 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है, इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई बात नहीं कहेंगे। उन्होंने एक झटके में किसान कानून बिल लेकर आते हैं, किसान कानून बिल वापस ले लेते हैं, लेकिन सवाल जो है असल मुद्दों पे क्यों नहीं होता? क्या सरकार इस कानून बिल को रद्द करने का ऐलान संसद में उठाएगी, नहीं उठाएगी? क्या कानून के मुद्दों पर वो सवाल उठाएगी, नहीं उठाएगी? सिर्फ उसको उत्तर प्रदेश चुनाव की राजगद्दी दिख रही है कि आखिर उसको कैसे हथियाना है। हाँ, हालांकि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और आज गुरु नानक जयंती है। नेशनल दस्तक की टीम की ओर से किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनकी मेहनत सफल लाई, उनकी जिस तरीके से सेक्रीफाइस, उनका बलिदान रहा किसान भाइयों का, आखिर वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सरकार को आखिर किसानों के आगे झुकना पड़ा। ये किसानों की जीत नहीं, ये संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र शायद इस देश में कुछ बचा हुआ है जिसके मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया का क्या चेहरा सामने नजर आ रहा है? 2 रुपए प्रति ट्वीट करने को तैयार थे सरकार के समर्थन में, सरकार के गुणगान करने में। आज वही लोग ट्विटर पे सक्रिय हो चुके हैं और इस फैसले को राष्ट्रीय हित का फैसला बता रहे हैं। आखिर मोदी जी का कोई ऐसी बात होती है जो राष्ट्रीय हित में ना होती हो? उनके भक्त जन और उनके गुणगान करने वाले सो कॉल्ड गोदी मीडिया कह सकते हैं, उनको तो जो भी मोदी जी बोलते हैं या जो भी उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो राष्ट्रीय हित में ही होता है। राष्ट्रीय विरोध में तो किसान थे, राष्ट्रीय विरोध में तो दलित थे, राष्ट्रीय विरोध में तो मुसलमान थे, राष्ट्रीय विरोध में तो महिलाएं थी, राष्ट्रीय विरोध में तो आखिर भारत के युवा हैं जो अपना हक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं। तो किसानों की बात थी। किसान एक ऐसा समुदाय है जो काफी उत्तर प्रदेश चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगा कि आखिर उसकी वोट की ताकत। सरकार को पता है कि अगर सत्ता में आना है तो किसानों का और सबसे ज्यादा जनता के वोट पे निर्भर करता है कि कुर्सी जनता के हाथ में, कि आखिर जनता किसे चुनती है। सरकार ने 3 कदम पीछे लिए हैं, वो अपने शायद उसके चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, चुनावी मुद्दों को नजर रखते हुए उन्होंने किसान आंदोलन बिल को वापस लेने का बात तो कही, लेकिन इस बिल को मद्देनजर रखते हुए हम बाकी बहुजन अधिकारों की बात करें, आरक्षण बिल पे बात करें और ऐसे एसटीएससी माइनॉरिटी के इश्यूज पे बात करें, क्या उस पे ही सरकार बोलेगी? किसान आंदोलन में जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट, जो अलग अलग समुदाय से मुस्लिम भाई सामने आए और पिछले एक साल से बढ़ चढ़ कर हिस्सा बने हुए इस किसान आंदोलन का, क्या किसान आंदोलन अपने वोट की ताकत समझेंगे? क्या आने वाले समय में क्या वो भाजपा को वोट देंगे? क्या वो सरकार की इन चालों में या इस जाल में फिर से फंस जाएंगे? तो उनके डिसीजन पे निर्भर करता है, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के मुताबिक डिसीजन लेती है और अपने फायदे के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। सवाल, सरकार अगर वाकई में किसान आंदोलन के समर्थन में होती तो पिछले एक साल से किसान सड़कों पर थे, किसानों पे गाड़ियां चलवाई जा रही थी, किसानों पे वाटर कैनन से छिड़काव हो रहा था, किसान आंदोलन में आंसू गैस के बम फोड़े जा रहे थे, किसान आंदोलन में महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रहा था, तब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र को संबोधित क्यों नहीं कर रहे थे? अचानक से उनको सपना आता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्यों ना एक ऐसा कार्ड फेंका जाए जिससे हमारे हित में वोट आए। तो आप लोगों को इनफैक्ट किसानों का सवाल नहीं है, बात इस देश का, बात इस देश के संविधान का है कि आप लोग कब तक ऐसी सरकारों के बहकावे में आते रहेंगे? जब तक ये सरकार
पूर्ण रूप से किसान आंदोलन कानून बिल को वापस नहीं लेती है, किसानों को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी है और इस पर गोदी मीडिया सरकार के समर्थन में है और किस तरीके से ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होके और उनके भाषण को राष्ट्र संबोधित और राष्ट्र के हित में बता रही है। तो क्या किसान क्या राष्ट्र के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे पिछले एक साल से? मुस्लिम भाई जो है वो क्या राष्ट्र के विरोध में काम करते हैं? एसटीसी माइनॉरिटी की बात करें वो क्या राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं? सवाल यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और संविधान पे होना चाहिए। ये मोदी ने कोई एहसान नहीं किया या मोदी सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है किसान बिल को वापस लेने पे। पेट्रोल के दाम आप बढ़ा दीजिए 10 रुपए, 10 रुपए दे बढ़ा नहीं थे उसमें से 2 रुपए कम कर दीजिए, तो ये कौन सा एहसान हुआ? तो वही किसान भाइयों की जो शहीद हुए हैं, आखिर उन पे सवाल कौन करेगा? उनके परिवार को हक इंसाफ की बात कौन करेगा? लाखों महिलाओं पे अत्याचार हुए, लाखों किस तरीके से उनके घरों को तोड़ा गया। अभी एक और तो वो किसान आंदोलन बिल को वापस करते, राजस्थान में वही कांड हो रहा है और राजस्थान में एक पीड़ित परिवार को किस तरीके से जैसे भी चलाया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, इस पर सरकार बात नहीं करेगी। तो सिर्फ राष्ट्र को संबोधित करने की, राष्ट्र हित में कोई भी वो बोलेंगे तो राष्ट्र हित में, और कोई पार्टी या कोई समुदाय, कोई जातीय वर्ग का विशेष व्यक्ति बोलेगा तो वो राष्ट्र के विरोध में होता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित में काम करने का ठेका लिया है और जनता ने राष्ट्र के विरोध में। तो आप लोग सचेत रहिए और सरकार की जो नई चाल है इसमें फंसने से पहले जरा सोचिए कि आपके हक अधिकार की आखिर एक साल बाद सरकार को 365 दिन में 700 किसानों की जान चली जाती है, इस पे सरकार बात नहीं करती। आरक्षण पे बात नहीं करती है सरकार। लगातार कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, दलितों को मारा जा रहा है, पुलिस हिरासत में लोग मर रहे हैं, इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेंगे? क्या वो चीज राष्ट्र के हित में नहीं आती है? तो इसलिए नई चालें, नई शुरुआतें और नए चुनाव की तैयारी है। आप लोग सचेत रहिए। किसान आंदोलन बिल वापस अगर सरकार लेती है, नेशनल दस्तक की ओर से आप सभी को बधाई, और ये किसानों की जीत है, ये संविधान की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? क्या सरकार वाकई में किसानों के समर्थन में है कि उनके विरोध में है? क्या ये उत्तर प्रदेश की तैयारी में सरकार बनाना चाहती है बीजेपी? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।